दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि भारत का इतिहास काफी पुराना है। समय के साथ इस पर अलग-अलग शासन देखे गए। कभी राजाओं ने भारत पर शासन किया, कभी मुगलों ने, तो कभी अंग्रेजी हुकूमत ने। अंग्रेजों के आने तक भी भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश हुआ करता था, परंतु आक्रमण और राजनीति की वजह से भारत का विघटन होता चला गया। ये तो हर भारतीय जानता है कि जब भारतवर्ष को अंग्रेजों से आजादी मिली, तो उस समय भारत दो टुकड़ों में बटा था, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। कुछ समय बाद बांग्लादेश भी एक अलग देश घोषित कर दिया गया था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब भारत को बांटा गया था। आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इतिहास के संगठित भारतवर्ष से लेकर वर्तमान के भारत से 15 देश अलग हुए हैं। जी हाँ, आपको जानकर ये हैरानी जरूर होगी कि पूरी दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से अलग होकर 15 देश बने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे की ओर और जानते हैं कि वह 15 देश कौन कौन से थे जिन्होंने भारत से अलग होकर अपनी एक नई पहचान बनाई। पहला, ईरान। जब भारत से आर्यन ईरान के बलूचिस्तान में पहुंचे, तब वो वहीं बस गए और उसी से इसका नाम इरियाना पड़ गया। उसके बाद अरबों ने यहाँ आक्रमण किया और यहीं बसेरा कर लिया, तब के बाद इसका नाम ईरान पड़ गया। दूसरा, कंबोडिया। कंबोडिया भी पहले भारतवर्ष का ही एक भाग था, जिसकी स्थापना कंबोडिया नामक एक ब्राह्मण ने की थी, इसलिए इसका नाम कंबोडिया रख दिया गया। और आगे जाकर इस देश ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर भारतवर्ष से अलग होने का फैसला ले लिया। तीसरा, वियतनाम। इस देश का नाम पहले चंपा था, ये भारत का ही एक अंग हुआ करता था। सन 1825 में चंपा में हिंदू राज समाप्त हो गया, जिसकी वजह से यह एक अलग देश बनने पर मजबूर हो गया। चौथा, मलेशिया। यहाँ बौद्ध धर्म को भारतीयों ने स्थापित किया था। ये देश भारतीय संस्कृति के लिए बेहद मशहूर था, परंतु सन 1948 में अंग्रेजों से आजाद होकर ये देश भी भारत से अलग हो गया। पांचवा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारत का सबसे कीमती हिस्सा था, परंतु यहाँ पर हिंदू कम और मुसलमान ज्यादा रहते थे। इसी कारण से इसको मुसलमानों ने अपने कब्जे में कर अलग देश घोषित कर दिया, परंतु यहाँ पर आज भी एक राम मंदिर है जिसकी पूजा वहां के मुसलमान लोग करते हैं। छठा, फिलीपींस। फिलीपींस में सबसे पहले हिंदुत्व राज था, उसके बाद मुसलमानों ने यहाँ पर अपनी हुकूमत को कायम कर दिया और इसको भी भारत से अलग कर दिया। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी जरूर होगी कि यहाँ आज भी भारतीय रीति रिवाज मनाए जाते हैं। सातवां, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी कभी भारत का ही एक अंग हुआ करता था। यहाँ हिंदू राजा अंबी का राज था, जिसने सिकंदर से संधि कर उसे ये राज्य सौंप दिया। इस्लाम के बाद ये भारत से अलग होकर एक अलग देश बन गया। कहा जाता है कि महाभारत के शकुनी और गांधारी यहीं के ही थे। आठवां, नेपाल। ये भी भारत का ही एक अंग था। इसका एकीकरण एक गोरखे ने किया। महात्मा बुद्ध भी इसी राजवंश के ही थे, लेकिन सांस्कृतिक कारणों के कारण धीरे धीरे भारत से नेपाल भी अलग हो गया। नौवां, भूटान। भूटान देश भारत का ही एक हिस्सा था, जिसका नाम भद्र देश था, जिसे बाद में बदलकर भूटान कर दिया गया। भूटान देश का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जिसमें इसे त्रिविशिष्ट कहा जाता था। फिर भारतीय शासकों को हराकर चीन ने इसे अपने अंदर मिला लिया और भूटान भी भारत का हिस्सा ना रहा। दसवां, श्रीलंका। किसी समय में श्रीलंका को ताम्रपानी के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेजों ने यहां पर अपना अधिकार साबित किया। अंततः 1937 में अंग्रेजों ने इसे भारत से अलग कर दिया। ग्यारहवां, म्यांमार। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। यहाँ का प्रथम राजा वाराणसी का राजकुमार था। सन 1852 में अंग्रेजों ने यहाँ अधिकार किया और सन 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया। बारहवां, पाकिस्तान। यहाँ आजादी के बाद बहुत से हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए और मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज्यादा रहती थी, इसीलिए हिंदुओं के लगातार यहाँ पर विरोध होने की वजह से इसे भारत से अलग कर दिया गया। तेरहवां, बांग्लादेश। ये देश भी 15 अगस्त से पहले भारत का ही एक अंग था, फिर पूर्वी पाकिस्तान का अंग बना और सन 1971 में भारतीय फौज ने इसे पाकिस्तान से अलग कराया। चौदहवां, थाईलैंड। इसका प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश था। पहले यहां पर हिंदू राजस्व था, बाद में यहां पर बौद्ध प्रचार हुआ और यह भी भारत से अलग हो गया। पंद्रहवां, तिब्बत। तिब्बत का इतिहास हमारे भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है। पुराने समय में तिब्बत को भारतीय शासकों से हराकर
चीन ने अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद तिब्बत के शासकों ने चीन से लड़ाई कर अपना अलग देश बना लिया था। तो ये था अखंड भारत का इतिहास जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।